नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। आनंदीबेन पटेल आज दौरे पर रहेंगी। आपको बता दें, सुल्तानपुर दौरे पर रहेंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, आंगनबाड़ी के कार्यक्रम में शामिल होंगी राज्यपाल। योजनाओं के लाभार्थियों को देंगी लाभ। सिविल लाइन में पारिजात वृक्ष का करेंगी उद्घाटन। कमिश्नरी में आयुष्मान भारत योजना कार्यक्रम में भी होंगी शामिल। सुल्तानपुर दौरे पर जाएंगे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। योजनाओं के लाभार्थियों को देंगी लाभ। सिविल लाइन में पारिजात वृक्ष का करेंगी दर्शन। कमिश्नरी में आयुष्मान भारत योजना की करेंगी शुरुआत। सुल्तानपुर दौरे पर जाएंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। आंगनबाड़ी के कार्यक्रम में होंगी शामिल। योजनाओं के लाभार्थियों को देंगी लाभ। सिविल लाइन में पारिजात वृक्ष का करेंगे दर्शन। कमिश्नरी में आयुष्मान भारत योजना की करेंगे शुरुआत। सुल्तानपुर दौरे पर जाएंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। आंगनबाड़ी के कार्यक्रम में शामिल होंगी राज्यपाल। योजनाओं के लाभार्थियों को देंगी लाभ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, सिविल लाइन में पारिजात वृक्ष का करेंगे दर्शन। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता राजीव जुड़ चुके हैं सुल्तानपुर से। राजीव, क्या कुछ जानकारी है राज्यपाल के दौरे से संबंधित? देखिए शिखा जी, आनंदीबेन राज्यपाल जो है लगभग 1:30 बजे जो है सुल्तानपुर पहुंचेंगी और वहां पंडित राम नरेश त्रिपाठी के सभागार में जो है वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम में शरीक होंगी। इसके पश्चात वो पारिजात वृक्ष पर जो है जाएंगी और दर्शन करेंगी और फिर पुनः उनका जो है वापसी है। जी, क्या क्या लाभ देने वाली है, कौन कौन सी योजनाओं का लाभ देंगी राज्यपाल? क्लियर नहीं हुआ किस योजनाओं का लाभ देंगी, लेकिन जो है ये बताया जा रहा है कि वहाँ पात्र जो लाभार्थी रहेंगी उनको जो है कुछ योजनाओं को लाभ देंगी जो है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता राजीव जुड़े थे सुल्तानपुर से। चंदौली में दिखा रफ्तार का कहर, बड़ी खबर सामने आ रही है, ट्रक के चपेट में महिला की मौत। महिला की मौत से परिजनों में मचा कोहराम, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पूरा मामला धीना थाने के कमालपुर का। चंदौली में दिखा तेज रफ्तार का कहर, बड़ी खबर सामने आ रही है, ट्रक की चपेट में आने से महिला की मौत। महिला की मौत से परिजनों में मचा कोहराम, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पूरा मामला धीना थाने के कमालपुर का। चंदौली में दिखा तेज रफ्तार का कहर, ट्रक की चपेट में आने से महिला की हुई मौत। महिला की मौत से परिजनों में मचा कोहराम, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पूरा मामला धीना थाने के कमालपुर का बताया जा रहा। चंदौली में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां ट्रक की चपेट में आकर महिला की मौत हो गई है, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस खबर पर मैं ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता अजीत जुड़ चुके। अजीत, किस तरह से ट्रक की टक्कर हुई और महिला की मौत हो गई? मैम, हम आपको बता दें कि महिला मतलब की जा रही थी मतलब मार्केट में जाते समय ट्रक के चपेट में आने से जिसके कारण से महिला की मौके पर मौत होगी। सूचना पाकर पहुंची पुलिस, स्थानीय वहां की पुलिस पहुंची मौके पर और मौके पर पहुंचने के बाद स्थानीय पुलिस वहां का शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेज दी। जी, कितने बजे का ये मामला बताया जा रहा है? लगभग ये मामला 7 बजे का बताया जा रहा है शाम को। जी, पुलिस ने आरोपी को ढूंढने के लिए क्या कुछ कदम उठाए हैं अजीत? ढूंढने के लिए भी आरोपी जो था वो फरार हो गया। ग्रामीण पूरे सड़क पर चक्का जाम कर लिए थे, लेकिन कुछ पुलिस वहाँ पुलिस गई वहाँ पर समझाई बुझाई और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजी और कुछ सांत्वना दी है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता अजीत जुड़े थे। जौनपुर दौरे पर जाएंगे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, बड़ी खबर सामने आ रही है, विभागीय अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को देंगे प्रमाण पत्र। राजाराम महाविद्यालय में होगा कार्यक्रम। जौनपुर दौरे पर जाएंगे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, विभागीय अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक।
सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को देंगे प्रमाण पत्र। राजा राम महाविद्यालय में होगा कार्यक्रम। जौनपुर दौरे पर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जाएंगे, बड़ी खबर सामने आ रही। विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे, सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित करेंगे। राजा राम महाविद्यालय में कार्यक्रम है जिसमें शिरकत करेंगे डिप्टी सीएम। सीएम दिनेश शर्मा जौनपुर के दौरे पर रहेंगे, विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। कानपुर में युवक को वीडियो बनाना पड़ा भारी, बाइक पर बैठकर फिल्मी गाने पर बनाया था वीडियो, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वीडियो। पुलिस ने युवक को भेजा 9000 का चालान। कल्याणपुर के मसवानपुर का रहने वाला है युवक। कानपुर में युवक को वीडियो बनाना पड़ा भारी, बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां बाइक पर बैठकर फिल्मी गाने पर बनाया था वीडियो, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने लिया संज्ञान। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वीडियो, पुलिस ने युवक को भेजा 9000 का चालान। कल्याणपुर के मसवानपुर का रहने वाला है युवक। लखनऊ में धारा 144 लागू हुई। लखनऊ में सामूहिक योजना पर आयोजनों में शामिल होने में सख्ती, न्यू ईयर और क्रिसमस को देखते हुए लागू की गई सख्ती। 50% क्षमता के साथ खुलेंगे जिम होटल। 5 जनवरी 2022 तक लागू किए गए आदेश। लखनऊ में धारा 144 लागू की गई। लखनऊ में सामूहिक आयोजन पर लगा प्रतिबंध, न्यू ईयर और क्रिसमस को देखते हुए लागू किए गए आदेश। 50% क्षमता के साथ खुलेंगे जिम और होटल। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, कांग्रेस जारी करेगी महिला घोषणा पत्र। 8 दिसंबर को महिला घोषणा पत्र जारी करेगी कांग्रेस। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जारी करेंगी घोषणा पत्र। कांग्रेस मुख्यालय पर होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, कांग्रेस जारी करेगी महिला घोषणा पत्र। 8 दिसंबर को महिला घोषणा पत्र जारी करेगी कांग्रेस। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जारी करेंगी घोषणा पत्र। कांग्रेस मुख्यालय पर होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। लखनऊ से इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, राजा भैया की पार्टी को मिला चुनाव चिन्ह। जनसत्ता दल का चुनाव चिन्ह होगा आरी। ईसी ने चुनाव चिन्ह आरी आवंटित किया। विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव चिन्ह आवंटित। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, राजा भैया की पार्टी को मिला चुनाव चिन्ह। जनसत्ता दल का चुनाव चिन्ह होगी आरी। इलेक्शन कमीशन ने चुनाव चिन्ह आरी आवंटित किया। विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव चिन्ह आवंटित। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, राजा भैया की पार्टी को मिला चुनाव चिन्ह। जनसत्ता दल का चुनाव चिन्ह होगा आरी। इलेक्शन कमीशन ने चुनाव चिन्ह आरी आवंटित किया। विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव चिन्ह आवंटित। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।